मेरा निकाह 22/3/2011 को किराम सुजातपुर जमीर अहमद के साथ हुआ था। निकाह के समय सारी शर्तें तय हुई थी कि प्यार मोहब्बत से और जायज़ ज़रूरतों के साथ दवा इलाज के साथ तय हुआ था कि सारी जायज़ ज़रूरतें पूरे करेंगे। अगर ये इन शर्तों में नाकाम रहे तो मैं अपने से उन्हें अलग कर दूँ, इसीलिए मैं विदा होकर उनके घर गई। तो जब भी दहेज मांगने की डिमांड शुरू कर दी कि हमें 1,00,000 रुपये दिलाओ दो और ये मोटरसाइकिल दो, हमने अपनी गरीबी जाहिर की कि हमारे बाप गरीब हैं नहीं दे पाएंगे। इसी बात को लेकर ज़्यादती चालू कर दी, मारना पीटना शराब पी कराना जुआ खेलना और जुल्म करना। उसके बाद 2 साल बाद फिर मेरी एक लड़की जोया पैदा हुई, फिर लड़की को लेकर के लड़की क्यों हुई, इसीलिए मुझे मारपीट किया करते थे, काफ़ी जुल्म किया करते थे मेरे साथ। फिर 2015 में 22/5 को मुझे घर से बेटी के साथ निकाल दिया और कहा कि बिना दहेज के वापस मत आना। तो मैं अपने मायके में पिछले 2-2.5 साल से अपने मायके में रह रही हूँ, भरण पोषण का भी कोई वक्ता नहीं दिया और ये कहा कि हम ना ही तुम्हें तलाक देंगे ना ही तुम्हें रखेंगे, हम ऐसे ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो मैं फिर मैंने अपने यहाँ बरेली कोर्ट में आकर मैंने अपने मुकदमे किए, भरण पोषण का मुकदमा किया, दहेज का मुकदमा किया और 498 का मुकदमा किया मैंने, लेकिन कोर्ट में भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने उस शरीयत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने से उन्हें अलग कर दिया, तलाक दे दिया, दिल लिख कर तलाक दिया।